सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्टो। कल हमें ऑल इलीट रेसलिंग का 2024 का फर्स्ट AEW डायनामाइट का एपिसोड देखने को मिलने वाला है। रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि कल के डायनामाइट के एपिसोड में हमें सासा बैंक AKA मर्सिडीज मोने का डेब्यू हो जाएगा AEW में। तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो। और चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, जो कल का AEW डायनामाइट का एपिसोड होने वाला है, ये इस साल का फर्स्ट डायनामाइट का एपिसोड होगा। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें को AEW ने अनाउंस कर दिया है। और गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि 31 दिसंबर 2023 को हमें पिछले साल का लास्ट पेपर व्यू देखने को मिलता है ऑल इलीट रेसलिंग का, जो कि वर्ल्ड्स एंड रहता है। वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू हमें काफ़ी ब्लॉकबस्टर देखने को मिलता है, मतलब मेन इवेंट में तो टाइटल भी चेंज हो जाते हैं। और गाइस, वहीं पे सासा बैंक की WWE के रिलेशनशिप के बारे में बात कर ली जाए और ऑल इलीट रेसलिंग के बारे में रिलेशनशिप के बारे में बात कर ली जाए, तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। WWE पहले सासा बैंक से काफ़ी मोटे तगड़े पैसे की डिमांड करती है, जितना वुमेंस डिवीजन में WWE सैलरीड फेयर को भी पैसा नहीं देती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि WWE अपने वुमेंस डिवीजन में सबसे ज़्यादा सैलरी सैलरीड फेयर को देती है, और सैलरीड फेयर से भी ऊपर मतलब सासा बैंक पैसे की डिमांड करती है WWE से, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में जो भी नेगोसिएशन था वो कम्प्लीट नहीं हो पाया, जिसके कारण से हमें उनका अब WWE में रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला है, एक अपडेट का ये कहना है। और गाइज, एक अपडेट हमें ये बताती है कि जो मर्सिडीज मोने हैं, AKA सासा बैंक है, उनका ऑल इलीट रेसलिंग के साथ जो बात है वो स्टिल कंटिन्यू है, और वो दोनों लोग एक सिचुएशन पे आके खड़े हो चुके हैं कि वो दोनों लोग मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर कर रहे हैं, यानी कि AEW कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर कर रही है सासा बैंक को। अगर सासा बैंक को वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है और वो वाला जो पैसा है अगर अच्छा लग रहा होगा गाइज, तो कल के डायनामाइट के एपिसोड में हमें मर्सिडीज मोने का ऑफिशियली AEW डायनामाइट के एपिसोड में डेब्यू हो जाएगा। हाँ गाइज, एक अपडेट का ये कहना है कि सासा बैंक एंड जो AEW है वो दोनों बात कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल गया था कि सासा बैंक अगर मान जाती है, तो कल के डायनामाइट के एपिसोड में हमें किसी और सुपरस्टार का नहीं बल्कि सासा बैंक AKA मर्सिडीज मोने का ऑफिशियली ऑल इलीट रेसलिंग में डेब्यू हो जाएगा। इसकी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं गाइस कि कल के डायनामाइट के एपिसोड में हमें सासा बैंक का ऑफिशियली AEW में डेब्यू देखने को मिलता है नहीं। लेकिन हाँ, एक रिपोर्ट का तो ये कहना है कि कल के डायनामाइट के एपिसोड में उनका डेब्यू होने ही वाला है। तो देखते हैं गाइस कि हमें क्या देखने को मिलता है, और कल के डायनामाइट के एपिसोड में हम लोग को मर्सिडीज मोने का ऑफिशियली डेब्यू देखने को मिलता है नहीं। देखो भैया, अब काफ़ी लंबा समय भी हो गया है। लास्ट टाइम हम लोग उनको AEW के ऑल इन पेपर व्यू में देखते हैं जब उनका अटेंडेंस होता है, उसके बाद से ही वो AEW में हमें देखने को नहीं मिली है। तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि कल उनका डेब्यू हो जाएगा AEW में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।